व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पहुंचने जाने वाले हैं ऋषिकेश। यहां से करीब 18 किलोमीटर ऋषिकेश है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे का सफर। चलिए शुरू करते हैं। सचिन जी, यार एक चीज मेरे को यहाँ हरिद्वार में एक चीज बेकार ये लगा कि यार एक तो देखो चोरी चकारी तो बहुत है, लेकिन जो ऑटो वाले हैं ये आपस में बहुत झगड़ाते हैं। कल हम जब हर की पौड़ी गए वहां पे भी इतने ऑटो वाले झगड़ा रहे थे। हम जैसे ऑटो से नीचे उतरे तो झगड़े चालू, फिर बाद में जहाँ होटल थी वहां झगड़े चालू, और एक तो लाइव वीडियो हमने झगड़े का रख रखा, वो अब हमारे चैनल पे बताएंगे दर्शकों को। मतलब झगड़े तो इतने करते कि पूछो मत, उसका कोई हद नहीं है। हर 10 मिनट में आपको एक झगड़ा नहीं मिल जाएगा हरिद्वार में। कोई यूनियन नहीं है ना, यूनिटी नहीं है। हाँ लेकिन यार देखो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऐसे में जैसे जो टूरिस्ट आता है ना, फिर उसका मन बिचक जाता है यहाँ घूमने में कि यार अब ये एरिया कैसा होगा क्या नहीं है, थोड़ा डर और डर रहता है। इसलिए फिर क्या कि ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं ना तो उस पर 3-4 जगह रिव्यू देख देख के ना फिर हमको होटल करनी पड़ती है, और एरिया भी हमको उस हिसाब से चूज करना पड़ता है। फिर सुबह सुबह उसके दर्शन हो गए। बताओ सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन करना तो कहाँ गया ना। सबसे पहले तो हमने देखे झगड़े, एक होटल से बाहर निकले और जो चौराहे पे आप जो गाड़ी लेके खड़े थे ना, बस वहीं पे आप मतलब आधे घंटे पहले झगड़े हुए वहाँ। बोलो डेली झगड़ा होता है। अब बताओ ये काम हुआ है। मारम कुटी भी जोर, वो बोतल से मार रहा, वो पट्टे से मार रहा, वो दोरी से मार रहा। बताओ कल तो खून निकल गया था एक जने का। बोलो और वहाँ कौन सा जहाँ पे मोबाइल चोरी हुआ था अपना, कौन सा एरिया था वो? वो वहाँ पे हल्की पेड़ी नहीं टेढ़े टेढ़ा पुल पे, टेढ़ा पुल में भी हमारा मोबाइल टेढ़ा हो गया वहाँ। हमारा मोबाइल टेढ़ा हो गया वहाँ। ये यहाँ पे स्वामीनारायण का बस थोड़ा आने में थोड़ा दिक्कत है, कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन बढ़िया है ऐसे तो अंदर रूम बढ़िया है। हमारा रूम शायद से यहीं कहीं है, इस साइड है ना। हाँ इस साइड रूम है वहाँ पर, सेकंड फ्लोर पे ये वाला है ना। ये कितनी दूर जाएंगे भैया, कुछ पता है आपको? ये राफ्टिंग वाले ये तो काफ़ी दूर जाएंगे। यहीं से दर्शन कर लो यार, बोर्ड कहीं जाओ तरुण भाई। आए क्या लाइन है यार, देख तो सही बहुत लंबा है। चलो अपने को नहीं अड़ रहा। ये राफ्टिंग को देख के मेरे दोस्तों को कोई चीज़ याद आएगी, उनको बता दूँ यहाँ से राफ्टिंग। ये जा रहे सब जय करके। तो गाइस यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग कर दी है, इधर की साइड आप पीछे देख सकते हो। और गाड़ी पार्किंग करने के बाद आप मेरे पीछे देखिए, ये यहाँ पर इसका इंटर आने का गेट है पार्किंग के लिए। और अब यहाँ से हम निकलेंगे कहाँ? मणिकंठेश्वर के लिए, जो कि नीचे हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहली बात तो ये आपको बताना चाहूँगा कि जो CNG है वो इन पहाड़ों पर लेकर ना आवे, क्योंकि हमारे साथ में एक CNG गाड़ी थी जिसने बहुत ही तकलीफ दी हमें बहुत ही डर लग रहा था कि वो रिटर्न ना आ जावे। लोगों ने बीच में चल रही थी, धक्के भी लगवाए लोगों ने उस पर, तब वो चढ़ी। हाँ और ये देखो उत्तराखंड पुलिस लिखा हुआ, यहाँ से नीलकंठेश्वर जाने के लिए रास्ता है। और ये ट्रैकिंग चालू हो जाएगा, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है यहाँ से। हाँ यदि भीड़ कम होती तो गाड़ी वहाँ जा सकती थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण पार्किंग की जगह आगे नहीं है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल। तो चलो पैदल चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे मेरे नीचे देखिए, बहुत बढ़िया व्यू है। ये लोकल पब्लिक्स का है। यस और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यू है, आप देख सकते हो नीचे गाँव का नज़ारा। तो दोस्तों हमको करके ठंड लग रही है, चलो तेरे को कैसे लग रही है? लग रही है। मेरा ये कहना पड़ रहा है कि जैसे
अमरनाथ में जैसे ट्रैकिंग करते हैं करीब 32 किलोमीटर की, तो यार वहाँ पर बाबा को मिलने के लिए 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं, तो यार मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है वो तो नॉर्मल तो खाली एक कर ही सकते ना, आराम से कर सकते। हाँ, तो क्या दिक्कत तो है यार है। और 1.5 किलोमीटर तो अपन रोज का चल रहे थे। हाँ, खाली एक चलना ही है अपन को यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, और अपन कितना करीब 20 या 30 किलोमीटर अपन उसमें आए गाड़ी में बैठ के परेशान हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ट्रैकिंग बढ़िया रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलते आपको बताते हैं आपको नीलकंठेश्वर बाबा का मंदिर, जहाँ पर जो नीलकंठेश्वर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जो गला था वो नीला हो गया था, क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था तो उसको तपस्या तप के द्वारा उसको यहाँ पर उन्होंने कहते हैं कि विष को उतारने के लिए यहाँ इस जगह पर आए थे, उसके कारण यहाँ पर नीलकंठेश्वर पड़ा था। तो दोस्तों जैसे कि हमने वो पार्किंग करी थी गाड़ी, वहाँ पर उसने ये बोला कि बैठना तो बैठ जाओ ऊपर पहुँचा रहे, तो हमको ऐसा लगा कि डायरेक्ट ऊपर पहुँचा देंगे वो भी 15-15 रुपये में, तो 15 रुपये में ऊपर पहुँचने की क्या जरूरत, तो हमने ट्रैकिंग चालू कर दिया। लेकिन अब वहाँ से बोलेंगे कि चलो बैठो 15-15 रुपये में नीचे पहुँचा देंगे, उसमें हम बैठ जाएंगे नीचे, ऊपर नहीं जाना हमको नीचे। 1 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग है उस ट्रैकिंग के जरिए आपको जैसे जैसे मंदिर पास में आता जाएगा वैसे आपको यहाँ पर दुकानें दिखती जाएगी, इन दुकानों में आपको गर्म कपड़े कटलरी आइटम बोले तो देसी जो और कुर्ता भी मिलेंगे, कुर्ता कटलरी आइटम वगैरह सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको रहने के लिए रेड फॉक्स 3 होटल्स मिल जाएगी। अच्छा हाँ, यहाँ सामने एक होटल बाय लेमन ट्री होटल्स, अच्छा है, बढ़िया है। रास्ता थोड़ा स्लीपरी है। हाँ वो थोड़ा पानी गिर गया है, थोड़ा स्लिपरी हो गया है, लेकिन तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये क्या है? राम कंदमूल फल है, क्या कुछ है ना यहाँ, चलो पूछते हैं। पूछते हैं ये भैया से, पूछते हैं। हाँ पूछते हो, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर क्या चीज है, नीचे क्या है, नहीं यहाँ क्या चीज है। अरे हम तो इधर ही जाएंगे, लेकिन वहाँ है क्या, ये पूछ रहे हैं। साला तनिक ढंग से नहीं बोलता है, रुकिए किसी से पूछता हूँ। भैया नीचे क्या है, नीचे नीचे यहाँ से जाता हूँ, आने का रास्ता है बाहर, बाहर आने के लिए रास्ता है वो। अच्छा यहाँ से जाने का। तो दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर के पहले फूल वाले है, वहाँ पर जूते चप्पल आप उतार सकते हो, वो फ्री में जूते चप्पल रखने के लिए देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वहाँ पर आपको उनसे फूल लेना पड़ेंगे, कुछ भी लेना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यदि उनसे फूल ले भी लेंगे तो अच्छी चीज़ है, उनका भी काम हो जाएगा अपना भी काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने चप्पल हाँ। भी सुरक्षित। यस यस यस। और यहाँ पर जैसे ही चप्पल उतारने के बाद इंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको दुकानें दिख जाएगी, ये देखें यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन बढ़िया है। मंदिर जाने का मार्ग ये देखें, ये सिस्टम है यहाँ पर, चलो फूल यहाँ से ले लो और बकेट में रख लो। हाय ये है लाइन, बाबा को मिलने के लिए सब बहुत बड़ी लाइन लगा दिया, यही है ना मंदिर के लिए। तो शॉर्टकट ले लेते हैं, जब भीड़ होती है तब ये लंबी लाइन लगाते लगते हैं। मंदिर मार्ग है यहाँ पे और लाइन यहाँ पे लग रही है। अरे बाप रे ये क्या लाइन के लिए, वो ये यहाँ से नहीं लग सकते, ये कैसे क्या है, क्यों लाइन के लिए इधर कैसे जा रहे, क्या है ये, नहीं इनसे पूछे क्या, यहीं जाएगी लगता लाइन। एक इधर आओ, इधर आओ देख लेते। अरे बाप रे क्या है ये लाइन, कब नंबर आएगा ये लाइन, देखो अरे बाप रे ये तो लंबी चली जा रही लाइन, तो हुआ
क्या है ये? अरे कहाँ तक जा रही लाइन? एक किलोमीटर है ये? और कितनी लंबी लाइन है? बहुत बढ़िया। चलो ये आज तो नीलकंठेश्वरी हो जाएगा लगता है। एक आप लाइन में लगो, मैं देखता हूँ क्या सब। वो ये देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ बैरिकेड लगा रखा, उसके ऊपर भी धागे बांध रखे हैं यहाँ पर लोगों ने। ये नीलकंठ मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार। जान दो जाने दो, ऊपर जाने दो, ऊपर जाना हो गया। क्यों यहाँ पे ये खुल सकता है क्या? यहाँ से नहीं, यहाँ से खुलवा दो यार, ये गाय परेशान। क्यों बात करो ना यहाँ पे लोकल किसी से, बात करो ना। ये अंदर का एरिया है, किसी एक ना पैसे डालोगे तो सब ने चालू कर दिए पैसे डालो। यहाँ पे है मुख्य मंदिर, ये लो नीचे, ये नीलकंठेश्वर का मंदिर, ये मेन मंदिर, ये बता रहे हैं आप कैमरे में देख लो क्योंकि दिख नहीं पाएगा, अलाउड नहीं हो। ये ऐसा है अंदर मंदिर, बाहर ये देखो झरना, ये यहाँ पे नहाओ और नहा के ना फिर वहाँ दर्शन करने का। लेकिन इतनी भीड़ मौर, यहाँ कचरा देखो, यहाँ कचरा, ये स्वच्छ अभियान के तहत यहाँ का कचरा देखो। तो गाइस रास्ते में जब आप नीलकंठेश्वर आ रहे हो तो जैसे ही मतलब 500-600 मीटर की दूरी पर आपको सिर्फ शौचालय यहाँ पर महिला पुरुष का सिर्फ एक ही दिखेगा, आगे तो भी नहीं है। आगे कुछ है नहीं, हमें भी नहीं दिखा। तो आप यहीं से, ये टर्न है, यहाँ पर दुकान है, इस दुकान से यदि वहाँ लंबी लाइन, हाँ ये रेड फॉक्स है, इसके जस्ट यहाँ पे है, पास में ही है, तो यहाँ से कंप्लीट होकर फिर जाइए क्योंकि अंदर कुछ सुविधा नहीं दी गई है, और फिर दर्शन करिए। यदि रोक सकते हो तो रुक जाओ, नहीं तो फिर यहाँ से करके जाइए। ये क्या चीज़ है भैया? माता का डोली है ये, वो अंदर ले जाएंगे तो ये तो लाइन में थोड़ी लगेंगे, इनका तो जल्दी नंबर लग जाएगा ना। हाँ ये सीधे जाएंगे ना, ये सीधे चले जाएंगे। कौन सी माता का डोली है ये? काली माता का। काली माता का है, बढ़िया। तो ये क्या कुछ मान मन्नत ले रखते हैं तो आते कैसे, क्या है? वैसे ही अब जैसे किसी का वो रहता है श्रद्धा भक्ति साथ। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो दोस्तों नीलकंठेश्वर से जब ऋषिकेश के लिए जाते हैं तो ऋषिकेश के स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको ये गरुड़ देव का महान भव्य मंदिर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आप आके दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर एक तालाब जैसा बना हुआ है, वहाँ पर आपको मछली भी दिखाई देगी रंग बिरंगी, और पीछे पहाड़, विशाल आकृति वाले पहाड़ दिखाई देंगे। तो एक बार यहाँ पर आके दर्शन करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन आएगा राम झूला, और लक्ष्मण झूला के समीप एक कांच का एक नया पुल बन रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।